लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की थी। इन रैलियों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी को ही दिया। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं कांग्रेस के बाहर भी प्रियंका गांधी की नेतृत्व क्षमता की खूब प्रशंसा हुई थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्षी एकता में शामिल कई नेता राहुल गांधी को नापसंद कर रहे हैं। इसकी वजह राहुल गांधी के कई बयान, खास तौर से पीएम मोदी पर दिया गया बयान है। कई नेताओं को ये भी लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की कमी है। वहीं राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर सर्वमान्य नेता हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी पर राहुल से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता खुद प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका को कांग्रेस का प्रधानमंत्री फेस बनाने की मांग उठने लगी है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए। वहीं मोदी को सीधे टक्कर दे सकती हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को देने के लिए किसी मशहूर चेहरे की जरूरत है। विपक्ष को ऐसा चेहरा पेश करना होगा जो मोदी को टक्कर दे सके। अभी जितने क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं, वह अपने अपने राज्यों के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इन नेताओं की कोई लोकप्रियता नहीं है। कृष्णम ने कहा कि 2024 का चुनाव मुद्दों से ज्यादा चेहरे का चुनाव है और पीएम नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है और फैसला विपक्ष को ही लेना होगा। नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है। प्रियंका ही पीएम मोदी को हरा सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इसके बावजूद राहुल गांधी अब पीएम फेस की रेस में धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के अंदर ही प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग उठी है। राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।